हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्य करियर एकेडमी। आज हम लोग करेंगे बायोलॉजी क्वेश्चन जीव विज्ञान पार्ट 8। पार्ट 7 तक आपको वीडियो हम प्रोवाइड करा चुके हैं। टॉप 500 का बायोलॉजी का जो क्वेश्चन था वो लगभग 150 क्वेश्चन हम लोग किए थे, आज उससे आगे हम लोग करेंगे। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए, ताकि कोई भी नया नोटिफिकेशन अपडेट हो तो आपको वीडियो मिलता रहे। और साथ साथ में हम लोग राकेश यादव जो 7300 बुक है उसका भी सोल्यूशन प्रोवाइड कराने चालू कर चुके हैं, तो आप जुड़ जाइए, पूरा का पूरा बुक डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जहां से आपको पीडीएफ फॉर्म मिल सकता है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए, द मलबेरी फ्रूट इज, सहतूत का फल क्या है। आप लोग गांव में सुने होंगे कि तूत का एक फल होता है, तूत जो होता है वो फल के रूप में जाना जाता है, वो क्या है। चार ऑप्शन देख लीजिए, सोरोसिस, ठीक है, साइकुनस, समरा या फिर नट। तो इसका आंसर हो जाएगा सोरोसिस, जो पहला ऑप्शन है ये इसका करेक्ट आंसर है। सोरोसिस का देखिए उसका दूसरा नाम है, मलबेरी का जो है दूसरा नाम, मतलब सहतूत का दूसरा नाम क्या होता है, सोरोसिस। जैसे कि अल्टरनेट नेम होता है ना, जैसे आपका घर का नाम कुछ और होगा, सर्टिफिकेट का नाम कुछ और होगा, उसी तरह तूत का दूसरा नाम होता है सोरोसिस, ठीक है। और ये जो होता है ना, ये मल्टीपल फ्लेसी फ्रूट होता है, इसमें बहुत सारा एक साथ जुड़ा होता है। जैसे कि आप मल्टीपल बेरी कहने का मतलब है कि एक साथ जो भी फ्रूट जो होता है, जो एक साथ बहुत सारा गुच्छा में हो, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया सोरोसिस। 152 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म हैज द सिग्निफिकेंस इन डायग्नोसिस द डेथ बाय ड्रॉइंग। जीवों में डूबने से होने वाली मृत्यु के निदान में निम्नलिखित समूहों में से कौन सा महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन देख लीजिए, लीचेंस, लाइकिन, प्रोटोजोआ, तीसरा है साइनोबैक्टीरिया या फिर चौथा है डायटम्स। तो देखिए यहाँ पर डायग्नोसिस फॉर डेथ फॉर ड्रॉइंग, तो डेथ फॉर ड्रॉइंग के लिए होता है डायटम्स, जो एल्गी आप लोग सुने होंगे, एल्गील जो होता है वो फोटोसिंथेसिस करता है, तो वो इसी के अंदर आता है, डायटम्स के अंदर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायटम्स, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेग हेमोग्लोबिन इज फाउंड इन, हेमोग्लोबिन वो ब्लड वाला हेमोग्लोबिन नहीं है, ये यहाँ पर लेग लिखा हुआ है। देखिए लेग हेमोग्लोबिन इज फाउंड इन, तो लेग हेमोग्लोबिन किस में पाया जाता है। चार ऑप्शन देख लीजिए, ह्यूमन ब्लड, मानव रक्त, दूसरा ऑप्शन है रैबिट ब्लड, खरगोश का खून, तीसरा ऑप्शन है लिग्मियो रूट नूडल्स, ठीक है, तो इसमें लिग्मियो रूट नूडल्स थर्ड ऑप्शन हो गया। फोर्थ ऑप्शन है चिकन ब्लड, चिकन का रक्त। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लिगमस प्लांट जो होता है, जैसे कि आप लिगमस प्लांट बोल सकते हैं, जो दाल का जो प्लांट होता है, जैसे कि आप पीन का हो गया, चाहे आपको चना का प्लांट हो गया, उसमें जड़ में एक छोटा छोटा सा, जैसे देखिए ये जड़ है, ये छोटा छोटा सा गांठ टाइप का बन जाता है, और इसी गांठ में होता है लेग हेमोग्लोबिन। तो लिगमस रूट नूडल्स हो गया इसका आंसर। तो याद रखिएगा कि ये जड़ से संबंधित है, ये ब्लड से संबंधित नहीं है। जैसे लिगमस प्लांट क्या करता है, ये खेत के नाइट्रोजन को बढ़ाने का काम करता है। जैसे आप गेहूं या चावल रेगुलर बेसिस पर आप उपजा रहे हैं, तो बोला जाता है कि दलहन जो होता है उसको उसमें रोप दीजिए, जैसे सरसों का हो गया या फिर मटर हो गया, चना हो गया, उसके पेड़ को लगाने से क्या होता है, जैसे कि आपको बोल सकते हैं कि उसका नाइट्रोजन बढ़ाया जाता है उससे। तो वो उसी जो रूट होता है, रूट जो रूट में एक छोटा छोटा सा, देखिए यहाँ पर एक गोल गोल सा, इसी को रूट जो होता है, इसी यही होता है लेग हेमोग्लोबिन जिसको बोलते हैं। यहाँ पर देखिए उसका यहाँ पर काटने के बाद रेड रेड टाइप का होता है, लेग हेमोग्लोबिन इसको बोला जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, डेजर्ट प्लांट्स आर जनरली, रेगिस्तान पौधे आमतौर पर क्या होते हैं। देखिए वेबीपोरस, सुकुलेंट, या थर्ड ऑप्शन हो गया हर्बिसियस, और फोर्थ हो गया हेट्रोफाइलस। तो देखिए जो ये डेजर्ट प्लांट होते हैं, ये होते हैं गुद्देगार पौधा, गुद्देदार पौधा, सुकुलेंट जिसको बोलते हैं हम लोग, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और डेजर्ट प्लांट इसको गुद्देदार पौधा क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं कि पानी एक बार जब होता है तो ये लोग 4 to 5 times अपने अंदर पानी स्टोर करते हैं। जैसे आप ये सब पौधा है, इसके अंदर जो पानी स्टोर होता है, ये 4 times पानी स्टोर करते हैं अपने यूज करने के अलावा। मतलब कि आप कह सकते हैं कि एक बार ये
लोग पानी मतलब कि इकट्ठा किए, तो ये लोग बहुत दिन तक बिना पानी के रह सकते हैं। ये सब डेजर्ट प्लांट है, मतलब कि रेगिस्तान में पाए जाते हैं अधिकतर। तो इसका हो गया सुक्यूलेंट, आपका गुद्देदार पौधा, इसका करेक्ट आंसर हो गया। ए ग्रुप ऑफ आर्किटेक्चर इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, ए ग्रुप ऑफ आर्कियो बैक्टीरिया इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ, तो देखिए आर्कियो बैक्टीरिया का समूह किसके उत्पादन में उपयोग किया जाता है। चार ऑप्शन देख लीजिए, इथेन, मिथेन, एसिड, या डी ऑप्शन हो गया अल्कोहल। तो देखिए आर्कियो बैक्टीरिया जो होता है ये होता है मिथेन के लिए, और ये मिथेन क्या करता है, लिबरेट करता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अधिकतर ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वहाँ पर होता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, मिथेन इसका आर्कियो बैक्टीरिया जो यूज, वो उसका बाई प्रोडक्ट क्या होता है, मतलब कि निकालता क्या अपने से अंदर, मिथेन को एज ए निकालता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, व्हाट अमाउंट ऑफ फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टोन इन द ह्यूमन किडनी, मानव गुर्दे में पत्थरी के बनने के लिए निम्नलिखित में से क्या जिम्मेदार है। चार ऑप्शन देख लीजिए, कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम ऑक्सलेट, सोडियम एसीटेट, या सोडियम बेंजोएट। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्सलेट, बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। कैल्शियम ऑक्सलेट जो हम लोग के शरीर में पत्थरी बनता है, जैसे पत्थरी का जो ऑपरेशन लोग कराते हैं ह्यूमन किडनी वहाँ पर, तो वो जो पत्थरी बनता है वो क्या होता, किससे बनाता है, कैल्शियम ऑक्सलेट से बनता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 157, इन द ह्यूमन बॉडी विच स्ट्रक्चर इज अपेंडिक्स अटैच टू, मानव शरीर में कौन सी संरचना में अपेंडिक्स जुड़ा होता है। तो सबसे पहले जो चार ऑप्शन है उसको देख लेते हैं, ए ऑप्शन है लार्ज इंटेस्टाइन, बी ऑप्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन, सी ऑप्शन है गल ब्लैडर, और डी ऑप्शन है स्टमक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत जो होता है उसमें होता है अपेंडिक्स, लार्ज इंटेस्टाइन में अपेंडिक्स होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये अपेंडिक्स का जगह पर है, इसको जब ये जैसे कि हम लोग के पूर्वज जो थे इसमें क्या होता है सेल्युलोस, जैसे घास भूस जो खाते थे पहले लोग, तो वो इस यहाँ से पचता था, मगर ये क्या हो गया, जैसे जैसे हम लोग विकसित होते गए ये कम होता गया और आज के डेट में एकदम ख़त्म ही हो गया है अपेंडिक्स। तो अगर ये बढ़ जाता है, जैसे ये बढ़ जाता है तो इसका ऑपरेशन कराना पड़ता है, और अपेंडिक्स का ऑपरेशन इसको काट के हटाया जाता है। तो ये हो गया अपेंडिक्स, लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन, तीन स्मॉल इंटेस्टाइन में अपेंडिक्स नहीं होता, स्मॉल इंटेस्टाइन में तीन गो होता है, इलियम, जेलियम और विली जो होता है, ये सारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ दो ही चीज़ होता है, एक तो होता है रेक्टम जो सबसे लास्ट में होता है, एक होता है अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराया जाता है। चलिए देखते हैं वन क्वेश्चन नंबर 158। तो देखिए न्यूट्रिकल्स आर प्रोड्यूस विच हैव, तो न्यूट्रिकल्स के उत्पाद में हैं जिनमें होते हैं, तो देखिए ऑप्शन ए देख लीजिए, न्यूट्रिएंट विटामिन एंड मिनरल, पोषक तत्व तो विटामिन और खनिज जिसको बोलते हैं। ऑप्शन बी है न्यूट्रिएंट प्रोटीन एंड फैटी एसिड, ऑप्शन सी है न्यूट्रिएंट एंड टॉक्सिक इफेक्ट, हिंदी में पोषक तत्व तो और विकासित प्रभाव, ऑप्शन डी है न्यूट्रिएंट एंड मेडिकल इफेक्ट, पोषक तत्व तो और औषधीय प्रभाव। तो ऑप्शन सी जो होता है, तो देखिए न्यूट्रिकल्स जो होता है वो क्या करता है, पोषक तत्व तो की तरह और विकसित प्रभाव करता है। तो ऑप्शन सी जो हो गया न्यूट्रिएंट एंड द टॉक्सिक इफेक्ट जो हो गया, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 159 देख लेते हैं, साइनोकोबलामाइन, देखिए साइनोकोबलामाइन किसको बोलते हैं, विटामिन B12 को बोलते हैं साइनोकोबलामाइन। तो देखिए इसमें चार ऑप्शन दिया है, सी, B2, B6 और B12, तो B12 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक आप प्रीवियस वीडियो अगर देखे होंगे तो इस पर पूरा लगभग ये 5 से 7 बार इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है, तो प्रीवियस वीडियो जब आप देखिएगा तो उसमें पूरे विटामिन के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर अभी तक आप देखते हुए आए होंगे तो आपको पता होगा कि विटामिन जितना भी है उसका केमिकल नेम प्लस बहुत सारा क्वेश्चन आ चुका है। तो आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर पहले देख लीजिए। तो B12 क्या हो गया, साइनोकोबलामाइन इसका केमिकल नेम हो गया, और B12 में ही आपको कोबाल्ट पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कंटेंट्स कोबाल्ट, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन में कोबाल्ट होता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ए हो गया विटामिन के, ऑप्शन बी हो गया विटामिन B12, ऑप्शन सी हो गया विटामिन B6, ऑप्शन डी हो गया विटामिन B2। अभी हम आपको बताए हैं कि विटामिन B12 का केमिकल नेम होता आपको क्या होता है, साइनोकोबलामाइन, और इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, आयरन कंटेंट इज फाउंड मैक्सिमम इन, किसमें अधिकतम आयरन पाया जाता है। चार ऑप्शन देख लीजिए, बीन्स, एग,
ग्रीन वेजिटेबल, या फिर ऑप्शन डी में मिल्क है। तो आयरन सबसे ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स में पाया जाता है, तो आपको अगर आयरन का कमी हो तो हरा सब्जी जरूर खाया कीजिए। क्या होता है, हरा सब्जी खाने से आयरन का कमी दूर हो जाएगा आपका। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 162 है, द सब्सटेंस विच मेक अप अबाउट 80% ऑफ द लिविंग मटेरियल इन द मोस्ट ऑर्गेनिक इज। अधिकतर जीवों में लगभग 80% जीवित सामग्री का निर्माण किससे होता है? तो देखिए, चार ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए है प्रोटीन, ऑप्शन बी है फैट वसा जिसको बोलते हैं, ऑप्शन सी है कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन डी है मिनरल्स खनिज पदार्थ। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन। हम लोग के शरीर में जो भी विकसित होता है वो प्रोटीन के कारण ही विकसित होता है। इसीलिए बोला जाता है कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसको प्रोटीन का मात्रा ज़्यादा दिया जाता है ताकि उसके शरीर जल्दी से जल्दी विकसित हो जाए, मजबूत हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 163 देखते हैं, इन ह्यूमन बॉडी विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन रेगुलेट ब्लड कैल्शियम एंड फॉस्फेट। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को नियंत्रित करता है? तो देखिए, यहाँ पर कैल्शियम और फॉस्फेट को मतलब रेगुलेट नियंत्रित कौन करता है, उसका संचालन कौन करता है? चार ऑप्शन देख लीजिए, ग्लाइकोजन, बी हो गया ऑप्शन ग्रोथ हार्मोन, सी क्या है पैराथायराइड हार्मोन, या डी हो गया थायरोक्सिन। तो सबसे पहले देखिए, ये तो ग्लाइकोजन कोई हार्मोन नहीं है, ग्रोथ हार्मोन कोई हार्मोन नहीं है, पैराथायराइड एक हार्मोन है और थायरोक्सिन एक हार्मोन है। तो देखिए, पैराथायराइड हार्मोन जो है ना, यही रेगुलेट करता है कैल्शियम और किसको, फॉस्फेट को। तो देखिए, यहाँ पर थायराइड और पैराथायराइड हार्मोन है तो जो कि कैल्शियम और फॉस्फेट को रेगुलेट करता है। उसी तरह देख लीजिए, इसमें देखिए हाइपोथैलमस, पैराथायराइड, थायराइड, लीवर हो गया, एड्रिनल हो गया, किडनी हो गया, टेस्टिस हो गया, यहाँ पर आपको पीनियल ग्लैंड हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, थाइमस हो गया, पेनक्रियाज हो गया, ओवरीज हो गया, यूट्रस हो गया, ये ग्लैंड का नाम दिया हुआ है और कुछ कुछ उसमें फंक्शन भी दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पैराथायराइड हार्मोन जो कि रेगुलेट करता है कैल्शियम और फॉस्फेट को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, बाय हुम इस्ट्रोजन इज प्रोड्यूस। इस्ट्रोजन का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? चार ऑप्शन देख लीजिए, एग, बी हो गया फॉलिकल्स, सी हो गया कॉर्पस लिटम, और डी हो गया यूट्रस। तो इसका क्या आंसर क्या हो जाएगा, फॉलिक्स जो होता है, फली जो होता है, उसके द्वारा इस्ट्रोजन प्रोड्यूस किया जाता है। देखिए, यहाँ पर ग्रेफियन फॉलिक्स जो होता है, इसके द्वारा क्या प्रोड्यूस किया जाता है, इस्ट्रोजन प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे मेल में क्या होता है, मेल में स्पर्म होता है, टेस्टिस होता है, उसी तरह फीमेल में इस्ट्रोजन होता है, ठीक है, ओवरी, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, द गैस यूज फॉर द आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ द ग्रीन फ्रूट। तो देखिए, हरे फलों को कृषित रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो आपको पता है कि जैसे आम का सीजन आता है तो कच्चे फल लोग खरीद के और उसमें पकाने के लिए एक गैस यूज करते हैं, वो किस कौन सा गैस होता है? चार ऑप्शन देख लीजिए, इथीन, ठीक है, इथेन, बी हो गया एसिटिलीन, सी हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, और डी हो गया ऑक्सोट्रिसिन। तो देखिए, इसमें होता है एसिटिलीन जो होता है, ये यूज होता है फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, एसिटिलीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनिल इन द सेल अदर देन द न्यूक्लियस कंटेन डीएनए। तो देखिए, नाभिक के अलावा कोशिका में कौन सा अंग जो है डीएनए शामिल होता है? चार ऑप्शन देख लीजिए, सेंट्रियोल, बी हो गया गोल्गी एपरेटस, डी हो गया लाइजोजोम्स, और सी हो गया लाइजोजोम्स, और डी हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें पूछा है कि विच ऑर्गन इन द सेल अदर देन न्यूक्लियस कंटेंट्स डीएनए। न्यूक्लियस के अलावा कौन सा और ऑर्गन है जो कि डीएनए कंटेन करता है? तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को और क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। अब देखिए, यहाँ पर दो क्वेश्चन और हम आपको प्रोवाइड करा देते हैं कि डीएनए का आविष्कार कौन किया है? फ्रेडरिक, ठीक है, जो फ्रेडरिक मिस्चर हैं ये डीएनए का 1869 में आविष्कार किए थे, इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, इसको याद रखिएगा कि डीएनए का आविष्कार कौन किया था। और डबल हेलिक्स डीएनए अगर पूछ दिया कि डबल हेलिक्स डीएनए कौन किया था, जेम वाटसन और फ्रांसिस क्रिक जो थे वो डबल हेलिक्स का आविष्कार किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 167, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है प्रियोन्स आर द स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग सेल, बी ऑप्शन है द सेल वॉल ऑफ माइकोप्लाज्मा इज मेड ऑफ द एमिनोज सुगर,
सी ऑप्शन है वीरवाइड्स कंसिस्ट ऑफ द सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स, और डी ऑप्शन है रिकेट्स लैक सेल वॉल। तो इसका जो सी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीरवाइड्स कंसिस्ट ऑफ द सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल, द वीरवाइड्स जो होता है वो सिंगल आरएनए अणु से बना हुआ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज बिल्ट अप ऑफ, प्लाज्मा झिल्ली जो होता है किसके द्वारा निर्मित है? चार देख लीजिए ऑप्शन, प्रोटीन, दूसरा हो जाएगा लिपिड, तीसरा हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स, या डी हो जाएगा, तीनों ऊपर का तीनों ऑप्शन सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे प्लाज्मा झिल्ली जो बनता है वो तीनों को मिला के बनता है, प्रोटीन लिपिड और कार्बोहाइड्रेट उसमें तीनों होते हैं। तो इसका डी हो गया आपको करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 169 देख लेते हैं। वेट ऑफ आवर बॉडी इज मोस्टली मेड अप ऑफ, हमारे शरीर का वजन अधिकतर किससे बना होता है? तो देखिए चार ऑप्शन देख लीजिए, फ्रॉम बोन्स, बी ऑप्शन हो गया पार्ट्स ऑफ बॉडी, सी ऑप्शन हो गया पार्ट्स ऑफ स्किन, या डी ऑप्शन हो गया फ्रॉम वाटर। तो पहला ऑप्शन हड्डियों से, दूसरा ऑप्शन शरीर के अंग से, तीसरा ऑप्शन हो गया त्वचा के अंग से, या डी ऑप्शन हो गया पानी से। तो हम लोग का जो शरीर होता है मोस्टली जो होता है वो पानी से बना होता है। कैसे से बना होता है? पानी से बना होता है। देख लीजिए, द अमाउंट ऑफ वाटर इन द ह्यूमन बॉडी इज रेंजेस फ्रॉम द 50 से 75%, द एवरेज एडल्ट ह्यूमन बॉडी इज 50 से 65% ऑफ वाटर, एवरेजिंग अराउंड 57 से 60। मतलब आप कह सकते हैं कि जो एडल्ट का बॉडी होता है वो 50 से लेकर 65% तक लगभग पानी से बना होता है। देखिए शरीर में कुछ है ही नहीं, मतलब कि आप 100 किलो हैं तो 65 किलो के करीब में 60-65 किलो पानी ही है उसमें। द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द इन्फेंट विच इज हाईली टिपिकल अराउंड 75 से 78%, ड्रॉपिंग अप टू 65% इन 1 ईयर एज, वाट इज द बेस्ट सॉल्वेंट इन द नेचर। मतलब कि 1 साल से जो कम का बच्चा होता है उसका जो शरीर होता है 75 से लेकर 78% तक पानी से बना होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो 1 साल का इन्फेंट मतलब बच्चा होता है, जो 1 साल से कम का बच्चा हो उसके अंदर मतलब सबसे ज़्यादा उसके जो शरीर का वेट है वो किससे बना हुआ है, कितना परसेंट बना हुआ है, तब आपको वाटर होगा 75 से 80% के बीच में उसका शरीर जो होता है। मतलब यदि बच्चा आपको मान लीजिए कि 5 किलो का है तो उसका 80% जो है बॉडी जो है पानी से बना हुआ है, 75 से 80% पानी से बना हुआ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी इज, मानव शरीर में अधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व हैं, चार ऑप्शन देख लीजिए, आयरन, दूसरा है सोडियम, तीसरा है फास्फोरस, और डी है कैल्शियम। तो सबसे पहले मानव शरीर एलिमेंट कौन कौन सा पाया जाता है ये हम लोग देख लेते हैं। देखिए ऑक्सीजन जो है ये पाया जाता है 65%, ठीक है, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 1.4% और फास्फोरस 1.1%। तो ऑप्शन के अनुसार देखिए, आयरन तो है नहीं क्योंकि सबसे पहले ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन ऑप्शन में नहीं है, कार्बन भी ऑप्शन में नहीं है, हाइड्रोजन भी ऑप्शन में नहीं है, नाइट्रोजन भी ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में क्या है, कैल्शियम। कैल्शियम कितना परसेंट होता है, 1.4%। तो आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एलिमेंट, ऑप्शन के अनुसार कैल्शियम हो जाएगा, मगर अगर यहाँ पर ऑप्शन ऑक्सीजन रहता तो ऑक्सीजन आपका करेक्ट आंसर हो जाता, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 171। एट द एज ऑफ 20 ईयर्स द नंबर्स ऑफ बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी इज अप्रोक्सीमेटली, 20 वर्ष की उम्र में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या क्या होता है लगभग, चार ऑप्शन देख लीजिए, 100, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है 200, ऑप्शन सी है 300, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, नन ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि 206 जो है ये करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 172 देखते हैं। द नंबर्स ऑफ बोन्स इन द ह्यूमन स्कल इज, मानव कंकाल की हड्डी की संख्या कितनी है, ऑप्शन चार ऑप्शन देख लीजिए, 22, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है 30, ऑप्शन सी है 32, ऑप्शन डी है 40। मतलब ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 32, ऑप्शन डी 40। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 22, क्या हो जाएगा, 22 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ह्यूमन जो स्कल होते हैं उसमें कितने हड्डियां होते हैं, कितने बोन्स होते हैं, 22 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज फाउंड इन द मैक्सिमम अमाउंट इन द ह्यूमन बोन्स, निम्नलिखित में से कौन सा एक
सॉल्ट मानव हड्डियों में अधिक मात्रा में पाया जाता है? चार ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन है मैग्नीशियम क्लोराइड, सेकेंड ऑप्शन है कैल्शियम फॉस्फेट, थर्ड ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, या डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट। क्यों? क्योंकि देखिए, जो हड्डी होता है, मानव शरीर का जो हड्डी होता है, वो जो बोन्स होता है, वो किससे बनता है? कैल्शियम से बनता है। आपको पता है कैल्शियम से क्या बनता है? हड्डी बनता है। तो कैल्शियम फॉस्फेट से बनता है। तो इस जो हड्डी में क्या, यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? सॉल्ट इज फाउंड इन मैक्सिमम अमाउंट इन द ह्यूमन बोन। तो हड्डी में सबसे अधिक कौन सा सॉल्ट पाया जाता है? कौन सा सॉल्ट पाया जाता है? तो ये क्या हो जाएगा? कैल्शियम फॉस्फेट जो है। चलिए क्वेश्चन नंबर 174 देखते हैं। व्हाट इज ऑर्थोप्लास्टी इन सर्जरी? एक सर्जरी में संधि संधान क्या है? चार ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है ओपन हार्ट सर्जरी, ऑप्शन बी है किडनी ट्रांसप्लांट, ठीक है, ऑप्शन सी है हिप ज्वाइंट रिप्लेसमेंट, ऑप्शन डी है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मतलब रक्त आधान। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए, ऑर्थोप्लास्टी सर्जरी जो होता है वो हिप ज्वाइंट रिप्लेसमेंट का होता है। जैसे कि आप फिगर देख रहे हैं, तो जहाँ ये हिप होता है ना, जो दोनों लेग के लिए होता है, ठीक है, ये हिप हो गया। यहाँ पर ये जो ज्वाइंट आप देख रहे हैं, ये ज्वाइंट जो है, ये क्या होता है? डैमेज हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं हिप ज्वाइंट रिप्लेसमेंट। तो यहाँ एक बॉल टाइप, मतलब कि आर्टिफिशियल बॉल लगाया जाता है, जिसमें आपके पैर के हड्डी से लेकर उसमें ज्वाइंट किया जाता है, ताकि आपको मतलब मूव करने में कोई दिक्कत नहीं हो। यही सर्जरी होता है। आपको क्या होता है, इसको बोलते हैं जो ऑर्थोप्लास्टिक सर्जरी, उसको हिप ज्वाइंट रिप्लेसमेंट बोलते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नर्व्स अराइजेज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड? रीढ़ के हड्डी से नसों के कितने जोड़े निकलते हैं? तो ऑप्शन देख लीजिए, चार ऑप्शन में से ऑप्शन ए है 13, ऑप्शन बी है 31, ऑप्शन सी है 33, ऑप्शन डी है 12। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 31। देखिए, देयर आर स्पाइनल लॉब्स एट ईच लेवल एंड वर्टिब्रेट ऑफ टोटल 31 पेयर। 31 पेयर होते हैं टोटल स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि नर्व्स जो होते हैं, रीढ़ की हड्डियों में नसों की कितनी जोड़े की संख्या, तो वो है 31। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, अगर अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कीजिए। जितना आप लोग देखते हैं उतना तक कम से कम लाइक कर दिया कीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 176। ए हेल्दी ह्यूमन बींग एक्सक्रीट द फॉलोइंग लीटर्स ऑफ यूरिन इन 24 आवर्स। एक स्वस्थ मनुष्य 24 घंटे में कितना लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है? मतलब कि एक जो हेल्दी आदमी है 24 घंटे, 24 आवर्स में कितना लीटर यूरिन निकालता है, ठीक है। तो चार ऑप्शन देख लीजिए, 1.5 लीटर, बी है 3 लीटर, ऑप्शन सी है 6 लीटर, ऑप्शन डी है 9 लीटर। तो जो एक हेल्दी आदमी होता है वो 1.5 लीटर, मतलब 1.5 लीटर के करीब में यूरिन पर डे एक्सक्रीट करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिशनल एलिमेंट इज नॉट एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेंथनिंग ऑफ बोन एंड टीथ? तो देखिए, हड्डियों और दांतों की रचना और मजबूती के लिए निम्नलिखित पोषक तत्वों में से कौन सा आवश्यकता नहीं है? यहाँ पर नहीं है बोला गया है, मतलब कि बोन्स को फॉर्मेशन और टीथ के लिए कौन सा इसमें से असेंशियल नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है, एलिमेंट नहीं है उसके लिए, इम्पोर्टेंट नहीं है। तो कैल्शियम आपको पता है कि हड्डी में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉस्फोरस भी पता है, फ्लोरीन भी पता है, आयोडीन, नमक से कोई सब प्रभाव नहीं पड़ता है, ना ही हड्डी में ना ही टीथ में। नमक क्या होता है? घेंगा होता है नमक से, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका आयोडीन करेक्ट आंसर हो गया। इसका कोई मतलब कि यूज नहीं है बोन्स और टीथ में, एसेंशियल नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर 178 देखते हैं। द नंबर ऑफ टीथ दैट आर डेवलप्ड ट्वाइस इन द लाइफ टाइम ऑफ द ह्यूमन बींग्स इज? मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित दांतों की संख्या कितनी है? चार ऑप्शन देख लीजिए, ए हो गया 4, बी हो गया 12, सी हो गया 20 और डी हो गया 28। तो आपको पता होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 20। जो सी है, सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। 20 ऐसे दांत होते हैं जो 2 बार निकलते हैं। इन ए ह्यूमन लाइफ स्पेन 20 टीथ डेवलप ट्वाइस लाइक ए ह्यूमन। मोस्ट ऑफ द मैमल्स आर डायफोडेंट, इट्स मीन दैट 12 परमानेंट मोलर एंड द मोनोफोडेंट एंड द अदर डायफोडेंट। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ। आदमी में 4 तरह के टीथ होते हैं। इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये आपको क्या स्टेटिक्स टाइप का हो गया, ये चेंज नहीं हो सकता है। तो ये भी पूछा, देखिए,
ये पूछा गया इसमें कि कितने दांत दोबारा निकलते हैं, 20, और परमानेंट टीथ पूछ लेता कि कौन ऐसे हैं जो एक बार निकल गए तो दोबारा, आदि टूट गए तो दोबारा नहीं निकलेंगे वो, तो वो 12 होगा उसका आंसर। परमानेंट टीथ जो होते हैं वो 12 होते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर चार तरह के टीथ होते हैं, ये भी देख लीजिए। एक होता है आपको सिनिकर्स, दूसरा हो गया कैनिन्स, प्री मोलर्स और मोलर, ये आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा सब हमारे शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा है? चार ऑप्शन देख लीजिए, बोन, बी है इनेमल, सी है डेंटिन और डी है सीमेंटम। तो ये इसका तो 90% लोग आंसर जानते होंगे, इनेमल जो होता है, क्या होता है इनेमल जो है, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है, इनेमल इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। द फंक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन इन द बॉडी इज, शरीर के हेमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो शरीर के हेमोग्लोबिन का क्या कार्य है, चार ऑप्शन देख लीजिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, डिस्ट्रक्शन ऑफ बैक्टीरिया, प्रिवेंशन ऑफ एनेमिया और यूटिलाइजेशन ऑफ आयरन। तो इसका हम लोग के हेमोग्लोबिन का क्या क्या काम है, तो हेमोग्लोबिन का क्या काम है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, या कार्बन डाइऑक्साइड को एक जगह से दूसरे जगह ले आना। तो ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन में सिर्फ ऑक्सीजन दे हुए, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द अडल्ट ह्यूमन बॉडी इज, एक वास्तव मानव शरीर में पानी का प्रतिशत लगभग कितना होता है? चार ऑप्शन देख लीजिए, पहला ऑप्शन है 10%, दूसरा ऑप्शन है 30%, तीसरा ऑप्शन है 65%, चौथा ऑप्शन है 75%। तो एक मानव शरीर में जो एडल्ट है उसमें टोटल हम आपको बताए थे 65% के करीब में क्या होता है, पानी होता है। और यहीं अगर ये पूछा जाता कि 1 साल से कम का बच्चा है उसके शरीर में पानी का परसेंटेज क्या हो जाता, तो वो हो जाता 75% से 78% तक, कभी कभी 80 भी जाता है, तो ये 75 से 78 आपको मारना पड़ता अगर पूछता 1 साल से कम का उम्र का बच्चा है तब उसके शरीर में पानी 75 से 78% होता है। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइए कि कैसा लगा आपको वीडियो, ताकि आगे भी वीडियो हम लोग इसी तरह बनाते रहें। और राकेश यादव का वीडियो चालू हुआ है, जिसमें आपको SSC का पूरा लगभग 7300 क्वेश्चन कराएंगे, तो आप अगर नहीं देखे हैं तो उसे भी देखने चालू कर लीजिए, ताकि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए जब तक SSC है तब तक। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब।